नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्क हिसाब कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए जो एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नंबर चौथा है। पीछे तीन वीडियो कंप्लीट हो गया है और इसका भी प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में और वहां से आप क्रमवार चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आइए आज के चौथे वीडियो में वर्क हिसाब कैलकुलेशन एंड साइंस यह सभी ट्रेडों के लिए वैलिड होता है, मतलब सभी ट्रेडों में वर्क हिसाब कैलकुलेशन एंड साइंस और इम्प्यूबिलिटी स्किल एक समान ही आता है। तो इम्प्यूबिलिटी स्किल तो 50 नंबर का आता है लेकिन वर्क हिसाब कैलकुलेशन एंड साइंस 12 नंबर का आता है। तो आइए आज के चौथे वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु का गुण जिस धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। तो गलनांक होता है ना जी, गलनांक पर कोई भी वस्तु पिघल जाती है, हर एक वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है और गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर धातु पिघल जाती है। तो गलनीयता, गलनांक जिस पर धातु क्या होती है पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही है, टंगस्टन बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन धातु का होता है। आगे अगला क्वेश्चन कि पीतल मिश्र धातु किससे बनी होती है। तो पीतल के लिए एक ट्रिक हम बताए थे, पिताजी, पिताजी में ता माने ताबा, जी माने जिंक, तो ताबा और जिंक पिताजी, ब्रास इसको कहते हैं। पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं और ब्रास किससे मिलकर बनता है, तो ताबा और जिंक, पिताजी तो पीतल में ताबा और जिंक, तो ताबा और जिंक, ताबा और जिंक, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा ढालवा लोहा वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है ना, इस पर वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। ये व्हाइट कलर का दिखता भी है, जो कास्ट आयरन है हल्का सा व्हाइट कलर का, हल्का सा व्हाइट कलर का दिखता भी है, तो इस पर वेल्डिंग नहीं की जा सकती क्योंकि यह खुद कास्ट आयरन का है, तो कास्ट आयरन वेल्डिंग से काम नहीं करेगा, तो वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। किस पर, तो व्हाइट कास्ट आयरन पर, सफेद ढलवा लोहा पर। अगला क्वेश्चन, फोर्स जाली नहीं किया जा सकता, किस धातु पर फोर्स मतलब जाली नहीं किया जा सकता। तो किसको जाली नहीं बनाई जा सकती, पीटा नहीं जा सकता, किस धातु को, तो किस धातु को, तो हम लोग बता देंगे कास्ट आयरन को। जो कास्ट आयरन होता है ना, यह टूट फूट जाता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, मतलब फोर्स नहीं दे सकते हैं कास्ट आयरन। जैसे एग्जाम्पल में कोई बताइए, तो जो चारा मशीन होती है हमारे घरों पर, और जो उसके लिए नट बोल्ट कसने के लिए जो खुद जो चारा मशीन का जो हैंडल होता है ना, खुद वही कास्ट आयरन का होता है। चाहे जो हैंडल होता है ना, हैंडल नट बोल्ट कसने के लिए, उसका जो अलग से एक आता है सीमेंट वाला जिसको हम लोग कहते हैं, वही है कास्ट आयरन। तो फूट जाएगा, फोर्स देंगे तो फूट जाएगा लेकिन जाली नहीं बन पाएगी, तो कास्ट आयरन होगा जिस पर फोर्स नहीं किया जा सकता। आगे, मशीनरी भागों को ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ढलाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रे कास्ट आयरन का। जो ग्रे कास्ट आयरन होते हैं, धूसर ढलवा लोहा होता है, तो इसका क्या ढलाई बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए नहीं किया जाता, तब आया था व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, लेकिन उपयोग किया जाता है ढलाई बनाने में, तो ग्रे कास्ट आयरन, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि लौह अयस्क में पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस का ना भैया, इलेक्ट्रिक फर्नेस का, लौह पिग आयरन बनाने के लिए, मतलब लौह अयस्क को पिग आयरन बनाना है तो लौह अयस्क को आपको गलाना पड़ेगा, गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा। तो आज के जमाने में इलेक्ट्रिक फर्नेस आ गई है, जो बेलनाकार आकार की लंबी भट्टी होती है उसमें धातु को गलाकर पिग आयरन बनाई जाती है, कार्बन की मात्रा थोड़ी सी मिलाकर। तो जो पिग आयरन होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस में बनता है, और इलेक्ट्रिक फर्नेस को एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कपोला, चाहे कोपोला, कपोला चाहे कपोला, तो कपोला इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस को जो गलाता है। अगला क्वेश्चन शायद यही है, देखिए, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो भैया कपोला, कपोला ढलवा लोहा बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस ही है कपोला। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। तो मिल्ड स्टील है भैया, निम्न जिसमें कार्बन निम्न होते हैं का, हल्के स्टील, हल्के स्टील बनाने के लिए कार्बन की मात्रा निम्न होती है, कितना होती है तभी आगे आ भी जाएगा, देखिए आ ही गया। अच्छा ये मध्यम पूछा है, तो निम्न के लिए ये होता है, निम्न कार्बन हल्के स्टील बनाने के लिए 0.15% से 0.25% कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, जबकि आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है स्टील बनाने में, ये कार्बन की मात्रा है। तो निम्न मध्यम कार्बन के लिए ये होगा सी ऑप्शन, 0.25% से 0.5%। हाई के लिए पूछ देगा कि हाई कार्बन स्टील के लिए, तब 1.5% वाला, तो 0.5 से 1.5% हाई कार्बन स्टील, 0.25% से 0.5% मध्यम कार्बन स्टील, और 0.15% से 0.25% मिनिमम लो कार्बन स्टील। यहाँ मध्यम है तो इसलिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न कार्बन आ ही गया तो इसके लिए हम बताया था ना 0.15 से 0.25%, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और फिर उच्च कार्बन स्टील भी आ गया, तो भैया हम बताए तो थे कि 0.5% से 1.5% तक। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम अयस्क, बॉक्साइट एक एल्युमिनियम अयस्क का मुख्य अयस्क है, अब बॉक्साइट ही देता है ज्यादातर, देखिए बॉक्साइट दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
Al2O3 बॉक्साइट का फॉर्मूला है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम अयस्क का एक अच्छा अयस्क, एल्यूमिनियम का एक अच्छा अयस्क बॉक्साइट है। आगे धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में बनाई जा सकती है, तो इसको हम लोग तन्यता गुण कहते हैं। तन्यता मतलब पीट कर उसको लंबा प्रसारित किया जा सकता है, भंगुर नहीं होता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या होता है ना कि उसको पीटेंगे तो फैल जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। सोना सबसे अच्छा तन्यता गुण होता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। तो सोना धातु की तन्यता गुण अच्छा होता है, इसलिए उसकी गहना गुड़िया बनाने में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने अनुसार डिजाइन पीट कर उसको दे सकते हैं। तो तन्यता गुण पीटने पर टूटे बिना लंबा हो जाए, तार बन जाए, तो उसको तन्यता गुण कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? तो माइका क्या है? माइका एक कुचालक धातु होता है। माइका जो मोटर वोटर में कम्यूटेटरों के बीच में नहीं लगाई जाती है माइका, तो वो इंसुलेटेड होता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कर जाएगी, तो इसलिए माइका का प्रयोग किया जाता है। तो माइका क्या है? एक कुचालक मटेरियल है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।